पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। Fuel prices jumped today to hit fresh all-time highs following a surge in global crude oil rates. In the national capital, petrol and diesel rates soared 35 paise to cost 106.19 rupees and 94.92 rupees per litre respectively, according to Indian Oil Corporation. Petrol diesel ki ye badi hui keematein har din naya record bana rahi hain. Is mudde par jankari dene ke sath sath kuch ahem sawal varishth patrakar Ravish Kumar ne apne show Prime Time mein uthaye. Itihas ke jis mudde ko इतिहास की कक्षा में उचित स्थान मिलना चाहिए उसे लेकर टीवी पर चर्चा है। वर्तमान के जिस मुद्दे को मीडिया में उचित स्थान मिलना चाहिए उसके लिए कोई स्थान नहीं है। आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम उनकी चिंता रेखाओं में पहली हेडलाइन की तरह मौजूद हैं, लेकिन अखबारों और चैनलों के समाचारों में पेट्रोल और डीजल के दाम संक्षिप्त खबरों के कॉलम और स्पीड न्यूज के हवाले कर दिए गए हैं। 10 महीने में 20 रुपए दाम बढ़ गए, यानी हर महीने औसत 2 रुपए। कई शहरों में 110 रुपए पार कर रहा है पेट्रोल का दाम। बजट और फर्जी डिबेट के कारण न्यूज चैनलों की रिपोर्टिंग का जमीन से संबंध टूट चुका है। एक ही तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन कोई होगा जो फीस नहीं दे पा रहा होगा, कोई होगा जो दवा नहीं खरीद पा रहा होगा, कोई होगा जो कार नहीं चला पा रहा होगा। मीडिया के इस दौर में लोगों के बीच मीडिया नहीं है और ना मीडिया में लोगों के लिए कोई जगह बची है। आम जनता और विपक्ष सत्ता में बैठी पार्टी से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, पर दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। पेट्रोलियम मंत्री से पत्रकार ने बढ़ते दामों के बारे में पूछा तो वे फ्री राशन और सरकार की अन्य स्कीमों का जिक्र करने लगे और साथ ही कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते नजर आए, पर दाम कब कम होंगे इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो 32 रुपए पर लीटर केंद्रीय सरकार एक्साइज लगाती है, शायद टेली जी ने यह कहने की कोशिश की और कहा भी, उससे हम क्या क्या करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, महामारी के दौरान एक वर्ष में 90 करोड़ से अधिक हमारे जो नागरिक हैं उनको दिन का 3 समय का खाना मुफ्त दिलवाया, नंबर वन। नंबर टू, 2-3 दिन में हमारे जो वैक्सीन का आंकड़ा है ये 100 करोड़ से आगे निकल जाएगा। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय बनाना, हमारी बहनों को उज्ज्वला का सिलेंडर देना। अच्छा, आपको शायद जानकारी है कि नहीं, पर मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब कांग्रेस सरकार थी और उस समय की जो पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने की बात थी, उन्होंने उसको हल करने के लिए फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने अटपटा बयान दिया। उनका कहना है कि तेल की कीमतें ज्यादा नहीं है, उसमें टैक्स शामिल है। वैक्सीन सबको फ्री में मिली है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? भरपाई के लिए ऐसा किया गया है। इसके साथ ही मंत्री जी ने कहा, पैक्ड पानी की बोतल की कीमत पेट्रोल डीजल की तुलना में अधिक है। पेट्रोल की कीमत 40 रुपए है, असम सरकार 28 रुपए वैट लगाती है, पेट्रोलियम मंत्रालय 30 रुपए लगाता है, तो 58 रुपए हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हिमालय का पानी पीते हैं तो एक बोतल की कीमत 100 रुपए है। पानी की कीमत ज्यादा है, तेल की नहीं। भाजपा नेता और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण ने भी अटपटा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आम जनता गाड़ी से नहीं बस से चलती है। महंगाई से आम जनता परेशान नहीं है, देश में महंगाई से नेता परेशान है। लेकिन तेल का दाम जो बढ़ोतरी होगा तो थोड़ा सा असर पड़ेगा ही, और पुनः उस पर जो हमारे लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आम लोग तो बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, तो खास लोग आपको गाड़ी से। तो सर, उसका भारत में परिवर्तन तो बढ़ेगा ना सर, भारत तो बढ़ेगा ना, प्रभाव तो पड़ ही रहा है, आंशिक रूप से थोड़ा सा बढ़ सकता है। त्राहिमाम कर रही है जनता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जनता त्राहिमाम कर रही है, नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सवाल किया तो निर्मला सीतारमण ने सवाल को टाल दिया। देश में इस समय सबसे ज्यादा परेशानी है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर। डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर पार पहुंच चुकी हैं, जिससे फार्मर्स भी परेशान हैं। उससे कहीं ना कहीं कमोडिटीज के जो रेट हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या कदम उठा रही है? पहले मैं वीसा के ऊपर बात करें, और दूसरा, जैसे मैंने फार्मर्स का इनकम डबलिंग का विषय बोले,
वैसे आज का पैकेज से हटकर के जो जितने भी विषय है उसके ऊपर अलग से आकर बात करेंगे। भाजपा सांसद साक्षी महाराज से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपको तेल सब्जी महंगा दिखाई दे रहा है, कभी शराब मीट की दुकान पर पूछा इतना महंगा क्यों हो गया है? पेट्रोल ले लीजिए, 100 के ऊपर जा रहा है। डीजल हो, पेट्रोल हो, सरसों तेल हो, रिफाइंड हो, सभी सभी में महंगाई जनता की बढ़ी है। किसकी बढ़ी है? आमदनी सबकी बढ़ी। जब आपको तेल महंगा दिखाई दे रहा है, सब्जी दाल महंगाई दे रही है, मीट की दुकान पर जो खरीद रहे थे पूछा महंगा हो गया है, शराब की दुकान पर पूछा महंगा हो गया है, नहीं पूछते ना? तो आपने भाजपा नेताओं को सुना, अब आप देश की जनता को भी सुन लीजिए, वे बढ़ती कीमतों को लेकर कितनी परेशान है। मैडम बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इतना महंगा हो रहा है और काम वाम है नहीं, काम धंधा बिल्कुल नहीं है मैडम, और इतना महंगा हो गया कौन गाड़ी चलाएगा, फिर तो बिजली या फिर पानी से गाड़ी चले। मैडम बहुत परेशानी है, गरीब आदमी परेशानी है, हमारे तो परेशानी है, पैसे मिलते नहीं है, तेल बढ़े जा रहा है। का खर्च वगैरह आप लोग के घर के बजट पे असर पड़ता है? उधार ले लेके चलता है। फर्क तो पड़ रहा है, पहले जैसा काम नहीं है और आर्थिक जो कमाई धमाई है नहीं, पेट्रोल गाड़ी के बिना काम नहीं चलता, मतलब पहले से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। दिक्कत काफी है, हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, डेली रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज के रॉ मटेरियल के बढ़ रहे हैं, खान पीने के बढ़ रहे हैं, तेलों के बढ़ रहे हैं। एक दिन में कितना खर्चा हो जाता है आप लोग का पेट्रोल पे? एक दिन में 1000 रुपए का। पहले कितना हुआ करता था? पहले 700 रुपए का। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े आए जिसमें भारत का रैंक 116 देशों में 101 है और हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। पाकिस्तान का रैंक 52 है और अगर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो पेट्रोल के दाम इंडियन रुपए में 60 रुपए के आसपास हैं। आप इन बढ़ती कीमतों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.